अच्छा दोस्तों, अब अबू धाबी तो हम पहुंच गए, मतलब खूबसूरती का भी खास ख्याल रखा है। ओहो, चॉकलेट्स की दुनिया भाई, जादू का चराग। टाउन के लिए काफी चलना पड़ रहा है। रॉयल जॉर्डेनियन का प्लेन यहाँ पे मौजूद है। अच्छा दोस्तों, अब अबू धाबी तो हम पहुंच गए और अब क्योंकि थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिया, एयरपोर्ट भी देख लिया, अब भूख लग रही थी, मैंने सोचा कि चलो भाई हम बिज़नेस लाउंज चलते हैं और कुछ जो है लाउंज को अवेल करते हैं। यहाँ पे अल धाबी लाउंज है जो कि काफ़ी बेहतर भी है, उसके रिव्यूज़ अच्छे हैं, तो उसी में चलते हैं। वैसे इत्तेहाद का अपना लाउंज भी है, लेकिन मैं प्रेफर कर रहा था जनरल लाउंज में जाएँ, उसमें वैरायटी ज़्यादा होती है। तो लेट्स गो। ये जी लाउंज वेटिंग एरिया, दीज आर द ओरिजिनल प्लांट्स हियर। दूर लंबे लंबे टर्मिनल्स बने हुए हैं, बड़े बड़े फ्लाइट्स ही फ्लाइट्स हैं इनके पास। ब्यूटीफुल अबू धाबी एयरपोर्ट और साथ में अच्छे से कैफे हैं, यहाँ पे कॉफ़ी शॉप्स हैं, कुछ खा पी सकते हैं, तो अच्छा है, मतलब ठीक है। खैर दुबई वाली बात तो नहीं ऑब्वियसली, लेकिन बुरा भी नहीं कह सकते हैं। ऑब्वियसली दुबई इज़ वेरी क्लासी एंड इन फैक्ट कतर इज़ वेरी अमेजिंग। ये बस गुजारा ही है। अच्छा यहाँ मैकडॉनल्ड्स सभी कुछ है। वर्कशॉप डाउनस्टेयर्स। अच्छा देखा जाए तो इन्होंने एयरपोर्ट को मतलब खूबसूरती का भी ख़ास ख्याल रखा है। अगर ये एरिया देखा जाए, इन्होंने साइड में ऐसे सबवेज वगैरह दुनिया में होती हैं, तो इस तरह का इन्होंने यहाँ पे सेटअप डाला हुआ है। अब ज़बरदस्त से मतलब स्क्रीन्स चल रही हैं, मार्केटिंग्स हैं, विंडोज़ दी हुई हैं, बाहर व्यूज़ नज़र आ रहे हैं और साफ़ सुथरा माहौल, मतलब और इतना खुशादा और जगह बनाई हुई है, हज़ारों बंदा आ रहा है जा रहा है, अमेजिंग। मतलब दुनिया में काम करते हैं हम ही लोग, बस पता नहीं क्यों टाइम वेस्टर्स फॉर्म है। अच्छा अब ये देखा जाए कि यहाँ पे एयरपोर्ट पे कितने ऑप्शंस हैं, कितनी सीटिंग्स हैं, हर जगह दुनिया में बेहतरीन किस्म के अभी इन्होंने ये जो है क्यूबिकल्स भी बनाए हुए हैं, तो पीपल आर सेटिंग एंजॉय। ट्रैवल वाला एरिया नज़र आ रहा है, बेल्ट पे सामान आ रहा है, तो लाउंज के लिए काफ़ी चलना पड़ रहा है। मतलब ये पूरा टर्मिनल चेंज हो रहा है जी। ये हम लाउंज देख रहे थे, अबू धाबी होटल लाउंज, अल धाबी लाउंज, उसका मैं तस्करा कर रहा था, तो देखते हैं यहाँ पे क्या है।
अच्छा जी, वैसे तो स्मोकिंग इज़ ऑब्वियसली इंजीरियस टू हेल्थ, और लेकिन यह है कि जो लोग स्मोक करते हैं, अब अगर ड्यूरिंग ट्रैवलिंग आपको जगह चाहिए और स्मोकिंग करनी है, लेकिन हमारे पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स के अंदर जगह नहीं है जहाँ पे लोग एक इलीगल तरीके से वॉशरूम्स में जाके और मुख्तलिफ ऐसी जगहों पे पैसे दे के, ख़र्चा पानी दे के, टिप दे के वॉशरूम में स्वीपर्स को स्मोक करते हैं, जबकि यहाँ दुनिया में इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के अंदर एक स्मोकिंग रूम, स्मोकिंग एरिया, प्रॉपर एक जगह होती है जहाँ जाके आप अपना जो है स्मोक कर सकें, तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड। ओहो, चॉकलेट्स की दुनिया भाई। रोचर्स ही रोचर्स हैं भाई। वाह 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 वाह, बाय टू गेट वन फ्री। ओहो हो 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 हो, टॉब्लरॉन बार्स बड़े बड़े भाई, किट कैट। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह 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 वाह। क्या बात है, क्या ही बात है। ओ नीडो भी है। वाह जी वाह, ओए होए 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 होए, वाह 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 वाह। इंडर Oops, ये क्या है भाई? वाह जी वाह, स्कॉच विस्की है शिवास। वोडका पूरा पैकिंग भाई। नाइस पैकिंग। हाँ अच्छा, ये आ गए भाई हमारे शीशे के फ्लेवर्स अल फखर के। लेक्शन है भाई। अच्छा जी, जादू का चराग। लेगो तो दोस्तों, टाइम तो गुजर रहा है, आधी रात गुजर गई है और कुछ घंटे बचे हैं, उसके बाद हमारी फ़्लाइट ओपन होगी और इमिग्रेशन वगैरह होगा। ज़्यादा लंबा पता नहीं लगा, बट इट्स ग्रेट और मज़ा आ रहा है एयरपोर्ट पे। लेट्स सी आगे क्या होता है। तो दोस्तों, सफ़र तो हमारा चल रहा है अबू धाबी से न्यूयॉर्क के लिए जाना है। एक डेढ़ घंटे बाद जो है बोर्डिंग गेट ओपन हो जाएगा और यहीं इमिग्रेशन वगैरह होगी, लेकिन यह है कि मुझे तो बड़ी थकान और नींद आ रही है, भागलों वाली है। मेरा तो चाह रहा है तब आगे सो जाओ। एक्चुअली लाउंज भी कुछ खास इंप्रेसिव नहीं था, बस ठीक ही था, और खाना वाना भी बस नॉर्मल था। अब काफ़ी घूम फिर लिए, पूरा एयरपोर्ट एक्सप्लोर कर लिया, अब नींद आ रही है और फ्लाइट है दो तीन घंटे बाद। तो एक घंटे बाद गेट वेट ओपन होगा तो शायद थोड़ी उड़ जाए, वरना तो बैठे बैठे हम बोरियत भी हो रही है, क्या करें क्या ना करें। खैर, आप लोग वीडियो को देखें, बाकी आपको जो है आगे का सफ़र भी साफ साफ दिखाता है। A few hours later. अच्छा जी, सुबह हो गई है और सुबह सुबह जो है लाइट सी फॉग है और सुबह के मनाजिर, रॉयल जॉर्डेनियन का प्लेन यहाँ पे मौजूद है। अगर दिस इज CNN ट्रैवलर्स कैफे, फूड कोर्ट।
दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट बीफ बर्गर ऑब्वियसली, और इज बर्गर किंग, और इसकी मतलब बात ही अलग है. इट्स सो अमेजिंग, सो डिलिशियस, मतलब कमाल. मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे एक माहौल ही अलग होता है. गहमा गहमी, अफरा तफरी, आनन फानन, लोग, मतलब कमाल की एक फीलिंग्स आ रही होती हैं. अच्छा दोस्तों, अब जो है हमारा व्लॉग जो है हम एंड करते हैं, जो कि कराची से अबू धाबी तक का था और अबू धाबी एयरपोर्ट का था. अब हमारा सफ़र, क्योंकि एयरपोर्ट एंड हो रहा है और अब हम जो है न्यूयॉर्क फ्लाइट में बोर्ड करेंगे, तो फ़िलहाल यहाँ तक के लिए मुझे इजाज़त दें. और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है. अपना ख्याल रखना है. फ़िलहाल मेरी तरफ से खुदा हाफ़िज़.